अस्सलाम वालेकुम, वी गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 19 ऑफ योर बुक पिथोमा विच इज़ स्किन पैथोलॉजी. सो व्हाट्स द स्किन, व्हाट्स द फंक्शंस, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्किन. प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्शन, प्रोवाइड करती है हमें सेंसेशन में, हेल्प करती है सिक्रीशंस ऑफ द मटीरियल्स लाइक स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उसमें वो सीक्रेट करते हैं, सिक्रीशन करती है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन करती है और बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन करती है, ठीक है. और ये जो है यूवी लाइट से, जो हमारे पास हार्मफुल यूवी लाइट्स होती है उससे प्रोटेक्ट कर रही होती है, ठीक है. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज द प्रोटेक्शन एंड बैरियर अगेंस्ट द एनवायरमेंटल इंसल्ट्स एंड द फ्लूइड लॉस, ठीक है, प्रोटेक्ट करती है. सो स्किन की लेयर्स कितनी होती है, तीन होती हैं. सबसे टॉप पे एपिडर्मिस होती है इतनी, ठीक है, फिर हमारे पास डर्मिस आती है और उसके नीचे हाइपोडर्मिस होती है विच कंटेन्स द फैट. जो एपिडर्मिस होती है उसकी फर्दर हमारे पास फाइव लेयर्स होती हैं. सबसे नीचे जो है स्ट्रेटम बेसिल होती है, देन इज़ द स्ट्रेटम स्पाइनोजम, देन इज़ अ स्ट्रेटम ग्रेनुलोजम, देन इज़ अ स्ट्रेटम लूसिडम, देन इज़ अ स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है. सबसे पहले स्ट्रेटम बेसिल की बात करते हैं, इसकी क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं कि स्ट्रेटम बेसिल जो होती है इसमें ये स्टेम सेल लेयर होती है, इसमें ये सारे बेसल सेल्स होते हैं जो स्टेम सेल्स होते हैं और इसी से सारे ऊपर वाले सेल्स जो होते हैं वो जनरेट हो रहे होते हैं, ठीक है. फिर आती है हमारी स्पाइनोजम स्ट्रेटम, ठीक है. स्पाइनोजम स्ट्रेटम को हम स्पाइनोजम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो सेल्स होते हैं एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं थ्रू द डेस्मोसोम्स, ठीक है. डेस्मोसोम्स के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं जो इनको पेरेंट्स देते हैं जस्ट लाइक स्पाइन्स, ठीक है. इस वजह से हम स्ट्रेटम स्पाइनोजम कहते हैं इसको. उसके बाद आती है स्ट्रेटम ग्रेनुलोजम. इसको हम ग्रेनुलोजम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है, ग्रेन्यूल्स होते हैं, इस वजह से हम इसको स्ट्रेटम ग्रेनुलोजम कहते हैं. और उसके बाद आते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम. स्ट्रेटम कॉर्नियम जो होती है इसमें केराटिन होता है और ए न्यूक्लियर सेल्स होते हैं. जैसे इसमें आपको ये जो सेल्स हैं इनको आपको इसके अंदर आपको कोई न्यूक्लियस नज़र नहीं आ रहे, ठीक है. तो डेस्मोसोम्स आर प्रेजेंट बिटवीन द केराटिनोसाइट्स ऑफ द स्पाइनोजम लेयर. और ये जो बेसिलस लेयर होती है इसके नीचे बिल्कुल बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है. बेसिलस सेल्स जो होते हैं, बेसल सेल्स, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं थ्रू द हेमी डेस्मोसोम्स, ठीक है. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेयर्स, क्यों, क्योंकि हम बहुत सी डिजीज़ पढ़ेंगे जिसमें क्या होगा, ये जो हेमी डेस्मोसोम्स के साथ बेसल लेयर्स हैं उनका कनेक्शन लूज हो जाएगा, या स्पाइनोजम जो लेयर है उनमें एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन डेस्मोसोम्स हैं वो लूज़ हो जाएंगी, जिसकी वजह से कोई और डिजीज़ होगी, ठीक है. अब ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है इसमें नॉर्मली न्यूक्लियस नहीं है सेल्स के अंदर, लेकिन अगर इनके अंदर न्यूक्लियस आना शुरू हो जाते हैं तो वो भी हमें बताएगी कि कोई डिजीज़ चल रही है, ठीक हो गया. इसी तरह इसमें हमारे पास मेलेनोसाइट्स होते हैं स्ट्रेटम बेसिल के अंदर, जो मेलानिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और ऊपर भेज रहे होते हैं मेलानिन को केराटिनोसाइट्स की तरफ, ठीक है. तो ये सारी डिजीज़ जो है लिंक्ड होती हैं टू दीज लेयर्स, इस वजह से इनको जानना बहुत ज़रूरी होता है. तो एपिडर्मिस की ये फाइव लेयर्स होती हैं, ठीक है, और बुक में मेंशन है फोर लेयर्स. वो ल्यूसिडम को जो है कभी कभार कहते हैं कि ये नहीं होती किसी एरिया में, नहीं होती ना, तो इस वजह से. अगर डर्मिस की बात की जाए, एपिडर्मिस की, तो हमने फोर लेयर्स पढ़ ली है ना. डर्मिस की अगर बात की जाए तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिशू होता है. दूसरी चीज़ क्या होती है इसके अंदर, इसके अंदर नर्व एंडिंग्स होती हैं, एज यू कैन सी हेयर दीज आर द नर्व एंडिंग्स, ठीक है. फिर इसमें ब्लड वेजल्स होती हैं, ये ब्लड वेजल्स आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है. इसके अंदर जो है लिम्फैटिक्स होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है. इसमें आपको इतने क्लियर नहीं है, वहाँ पर ज़्यादा क्लियर आपको नज़र आ रहे होंगे. दिस इज़ द हेयर फॉलिकल, ये आपको ब्लड वेजल्स नज़र आ रही हैं. दिस इज़ द नर्व, दिस इज़ अ स्पेशियस ग्लैंड, ठीक है. दिस इज़ द स्वेट ग्लैंड हेयर, और ये सारी डर्मिस के पोर्शन के अंदर सब कुछ नज़र आ रहा है, और ये सब कुछ ये डर्मिस के अंदर होता है. सो स्किन का हमने इंट्रोडक्शन कर लिया कि स्किन इज़ अ बैरियर अगेंस्ट एनवायरमेंटल इंसल्ट्स एंड फ्लूइड लॉस. इसके अंदर एपिडर्मिस डर्मिस होती है, एपिडर्मिस में केराटिनोसाइट्स होते हैं, फोर लेयर्स में रेंज होते हैं जो हमने देख लिए, स्ट्रेटम बेसिलस, स्पाइनोजम, ग्रेनुलोजम, कॉर्नियम. बेसिलस में स्टेम सेल लेयर होती है, स्पाइनोजम में केराटिनोसाइट डेस्मोसोम्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ग्रेनुलोजम में ग्रेन्यूल्स होते हैं, केराटिनोसाइट्स में, कॉर्नियम में क्या होते हैं ए न्यूक्लियर सेल्स होते हैं, ठीक है, और केराटिन होती है. और डर्मिस जो होती है उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू होता है, नर्व एंडिंग्स होती हैं, ब्लड और लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, और एडनेक्सल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें स्पेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एंड हेयर शाफ्ट्स आते हैं. सबसे पहले हम जो डिजीजेस पढ़ेंगे स्किन की, वो होती है इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इज द एटॉपिक डर्मेटाइटिस, जिसको हम एक्जिमा भी कहते हैं, ठीक है. अब ये जो है ना, इसके अंदर क्या होता है, पस होती है, प्रोटेटिक होता है, ये एरिडेमेटस रेड कलर का आपको नज़र आ रहा होता है. इसमें से रैश जो है वो विजाइकल्स की फॉर्म में और एडिमा की फॉर्म में अपेयर हो रही होती है, और ये ज़्यादातर फेस
के रीजन में होता है और फ्लेक्सर फर्स्ट सर्फेसिस के रीजन में होता है। ठीक है, अब ये जो एटॉपिक डर्मेटाइटिस होता है, इसके एटॉपी से समझ आ रही है कि इसमें कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा जस्ट लाइक एस्थमा। तो एस्थमा के जो लोग होते हैं और एलर्जिक राइनाइटिस के जो लोग होते हैं उनके अंदर क्या होता है, ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी एसोसिएटेड होते हैं, स्किन को भी इन्वॉल्व कर लेता है। सो दिस इज़ द एक्टोपिक डर्मेटाइटिस, सॉरी एटॉपिक डर्मेटाइटिस। ठीक है, तो दिस इज़ द एटॉपिक डर्मेटाइटिस। आपको स्किन आपको रेड कलर की नज़र आ रही होगी, थोड़ी बहुत पस भी आपको नज़र आ रही होगी, वेसिकल्स और एडिमा भी नज़र आ रहा होगा इसमें, और ज़्यादातर फेस और फ्लेक्सर सर्फेस इसमें होता है। सो दिस इज़ अ फेस और ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, इसको कोई क्योर नहीं होता। देन इज़ द कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो इन्फ्लेमेशन स्किन की होगी वो किसी चीज़ के साथ कॉन्टैक्ट के थ्रू कॉन्टैक्ट की वजह से होगी, लाइक पॉइजन आईवी, निकल ज्वेलरी, इसमें टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी इन्वॉल्व होती है, इरिटेंट केमिकल्स के साथ एक्सपोजर, फॉर एग्जाम्पल डिटर्जेंट्स के साथ कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है, ड्रग्स फॉर एग्जाम्पल पेंसिलीन से होना शुरू हो जाती है। तो इन एलर्जेंस की वजह से क्या होता है कि स्किन के ऊपर प्रोरेटिक एरिथमेटस, सेम एज जो हमने ऊपर पढ़ा, ओजिंग रैज विद वेसिकल्स एंड एडिमा। ठीक है, मींस के इसके जो क्लिनिकल फीचर्स होंगे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के, वो एटॉपिक डर्मेटाइटिस की ही तरह के हैं, सेम टू सेम। ठीक है, लेकिन आपको चेंज क्या नज़र आ रहा है कि डेट वॉज अ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एंड दिस इज एक्चुअली द कॉज इज डिफरेंट इन बोथ केसेस। उसका ट्रीटमेंट नहीं था, यहाँ पे ट्रीटमेंट यही होता है कि जो आपको तंग आ रही है चीज़ आप उसको यूज़ करना बंद कर दो, स्टीरॉयड्स यूज़ कर लो। ठीक हो गया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एक्चुअली द बेल्ट जिसकी वजह से इस पेशेंट को एलर्जी हो गई है। तो अब इस कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस को अवॉइड करने का तरीका यही है कि ये बेल्ट को ना पहने जो इसको इरिटेट कर रही है, और क्या करे, स्टीरॉइड्स यूज़ करें। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द एक्नी वल्गैरिस। एक्नी जो होती है वो एक टाइप की नहीं होती, लाइक पिम्पल्स इज़ नॉट के समथिंग के पिम्पल्स होंगे तो एक्नी है। ठीक है, एक्नी जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, वो ब्लैक हेड्स की फॉर्म में हो सकती है, वो वाइट हेड्स की फॉर्म में हो सकती है, पैप्यूल की फॉर्म में हो सकती है, पस्टूल्स की फॉर्म में हो सकती है, सिस्ट की फॉर्म में हो सकती है, और नोड्यूल्स की फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्नी होते हैं और ये मोस्ट कॉमन किस में होते हैं, एडोलेसेंट्स में होते हैं। ये जो वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स होते हैं इनको हम कहते हैं कॉमीडोन्स। ठीक है, पस्टूल्स जो होते हैं इनको एक्चुअली हम कहते हैं पिम्पल्स, जो सिंपल टर्म में हम कह रहे होते हैं ना, पिम्पल निकल गया, दिस इज़ एक्चुअली द पस्टूल। ठीक है, और इसके अलावा जो है नोड्यूल्स भी बन सकते हैं, और ये ज़्यादातर अडल्ट्स में होते हैं कॉमन। ठीक हो गया, अब ये एक्नी बनती कैसे है, दिस इज़ अ हेयर फॉलिकल और इसके साथ एसोसिएटेड होता है सेबेशियस ग्लैंड। ठीक है, जो कि सीबम रिलीज़ कर रहा होता है। अगर ऐसा हो कि यहाँ पे कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाए हेयर फॉलिकल के रीजन में या सेबेशियस ग्लैंड के रीजन में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन चले, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, एक्नी वल्गैरिस हो जाती है। ठीक हो गया, अब अडल्ट्स में क्या होता है, एडोलेसेंट्स में जो एक हार्मोन होता है एंड्रोजेंस। ठीक है, एंड्रोजेंस आपको पता है ना ये क्या करते हैं कि ये हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड्स को कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस करो, वो इतना ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और साथ में क्या होता है, जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि वहाँ पे ना एक्सेसिव कैरेटिनाइजेशन शुरू हो जाती है, कैरेटिन 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 बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होता है। एक टाइम आता है कि ये जो हमारे पास इतना ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस करे होते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ हार्मोन्स, और इसके अलावा जो कैरेटिन जो है इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पर, तो अल्टीमेटली सबसे पहले जो वहाँ पर चीज़ बनती है वो होते हैं कॉमीडोन्स। ठीक है, वाइट हेड बनता है सबसे पहले, इस तरह से वाइट हेड बनता है, ये ऊपर से ये जगह ब्लॉक हो जाती है ना सारी, और उसकी वजह से क्या होता है, ये वाइट हेड ऊपर पेयर होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया, ये देखें, ये आपको नज़र आ रही है, ये सेबेशियस ग्लैंड है, ये सीबम प्रोड्यूस हो रहा है, और ये ऊपर जो है ये वाइट हेड पेयर हो गया। ठीक है, उसके बाद जब ऊपर से स्किन, ये देखें यहाँ पे ऊपर से एपिडर्मिस जो है वो बिल्कुल रप्चर नहीं हुई, जब वो रप्चर हो जाती है ना फिर ये ब्लैक हेड बन जाता है। ठीक है, वाइट हेड ब्लैक हेड इस तरह से बनता है। फिर क्या होता है कि वहाँ पे एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम कहते हैं प्रोपियोनोबैक्टीरियम एक्नी। ठीक है, वो यहाँ पे बैक्टीरिया बैठे होते हैं, वो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कर देते हैं। जब वहाँ पे वो इन्फ्लेमेशन करते हैं तो एक्चुअली वो करते क्या हैं कि लाइपेजेस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ये बैक्टीरिया। ठीक है, लाइपेजेस क्या करते हैं, लाइपेजेस जो हैं वो एक्चुअली क्या करते हैं, यहाँ पे जो सीबम भरा होता है ना वो सेबेशियस ग्लैंड ने रिलीज़ किया होता है, उस सीबम को ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन किस में करते हैं, इन्फ्लेमेटरी जो फैटी एसिड्स होते हैं ना उनके अंदर। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी फैटी एसिड्स में उनको जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब कि जब उनको ब्रेक डाउन करते हैं ना सीबम को, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैटी एसिड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे पस्टूल बन जाता है। ठीक है, पस्टूल या नोड्यूल बन जाता है।
ठीक हो गया, मतलब वहाँ पे पस बन जाएगी और इस तरह से इन्फ्लेमेशन वगैरह प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक हो गया। तो इस तरह से ये सारा होता है सिलसिला कि पहले हमारे पास सीबम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था, कैरेटिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था, वहाँ पे ब्लॉकेज होगी जिसकी वजह से वाइट हेड बन गया, ऊपर से स्किन रप्चर हो गई तो ब्लैक हेड बन गया। अगर वहाँ पर उसने इन्फ्लेमेशन शुरू कर दी है और लाइपेसिस के थ्रू जो है सीबम को ब्रेक डाउन कर दिया है, ठीक है, और क्या किया है कि वहाँ पर जो है फैटी एसिड्स इन्फ्लेमेटरी रिलीज हो गए हैं, तो पस्ट्यूल और पैप्यूल्स वगैरह सिस्ट और सब कुछ वो जो बनते हैं बना होता है उन्होंने बन जाते हैं। So this is how the white heads look on the face and this is how the black heads look like. इस तरह से जो है हेल्दी फॉलिकल होता है, फिर वहाँ पे सीबम जो है और केराटिन डिपॉजिट्स होना शुरू हो जाते हैं, वाइट हेड्स फॉर्म हो जाता है, फिर ऊपर से जब स्किन जो है वो रप्चर हो जाती है, ऊपर से प्लग ओपन होता है स्किन सर्विस पे, तो वो ब्लैक हेड बन जाता है। सो एक्ने वल्गैरिस में क्या होता है, कॉमेडोन्स होते हैं, वाइट्स एंड ब्लैक हेड्स, पास्ट्यूल्स होते हैं, पिंपल्स इनको हम कहते हैं, नोड्यूल्स होते हैं, स्पेशली इन द एडोलेसेंट्स होते हैं, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द हेयर फॉलिकल्स एंड द एसोसिएटेड सीबम ग्लैंड्स की वजह से होते हैं, हॉर्मोन्स की वजह से क्या होता है कि एंड्रोजेंस जो है वो एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन करते हैं, एक्सेसिव केराटिन डिपॉजिशन होती है जिसकी वजह से कॉमेडोन्स बन जाते हैं, वहाँ पे ये जो पी एक्नी बैक्टीरिया होता है ये वहाँ पे लाइपेसिस जो है प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से सीबम ब्रेकडाउन होता है, प्रो इन्फ्लेमेटरी फैटी एसिड्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से पस्ट्यूल्स एंड नोड्यूल्स बन जाते हैं। ट्रीटमेंट इसका क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल देते हैं जो इसको पी एक्नी को कवर कर रहा होता है, वाइटामिन ए डेरिवेटिव्स देते हैं जो कि एक्चुअली हमारे पास मेंटेन करती है हमारी एपिथीलियम को वाइटामिन ए, ठीक है, और हमारे पास रिड्यूस करती है कैरेटिन प्रोडक्शन को जो बहुत ज़्यादा हो रही होती है, ठीक हो गया। अब उसके बाद आता है सोरिएसिस। सोरिएसिस क्या होता है कि ये ऑटो इम्यूनिटी की वजह से जो है ना ये केस आता है स्किन का, वेल सर्कमस्क्राइब्ड हमारे पास जो है ना सैल्मन कलर्ड के प्लेक्स बनते हैं जिनकी स्लेवरी स्केल्स होते हैं, ज़्यादातर जो है कैंसर सर्फेसिस पे स्कैल्प पे नज़र आते हैं और इसकी वजह से पेटिंग ऑफ नेल्स भी प्रेजेंट होती है, और ये भी किसकी वजह से होता है क्योंकि कैरेटिनोसाइट्स बहुत ज़्यादा प्रोलीफ्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। ऊपर जो हमने एक्नी पड़ी थी उसमें कैरेटिन्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है, इसमें कैरेटिनोसाइट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, कैरेटिनोसाइट्स जो है वो एपिडर्मिस की सारी लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। सो इसकी पॉसिबल एटियोलॉजी क्या होती है कि इन जो है हमारे पास एच एल ए सी के जो लोग होते हैं और ट्रॉमा इसका ट्रिगर होता है, ऑटोइम्यूनिटी मोस्टली जो है ना इसकी कॉज होती है। ट्रीटमेंट इसका हम कैसे करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, यूवी लाइट जो है विद पोर्सेलिन देते हैं जो कि एक्चुअली हमारे पास यूवी लाइट के एब्जॉर्प्शन में टेक पार्ट करती है जो अच्छी वाली होती है, ठीक है, इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द यूवी लाइट, और इसके अलावा इम्यून मॉड्यूलेटिंग थेरेपी करते हैं हम, ठीक हो गया। मोस्टली स्टेरॉइड्स देते हैं और ये जो है इसका नाम होता है यूवी लाइट, इसको हम कहते हैं पूवा, ठीक है, पी यू वी ए, ठीक है, यू वी ए पूवा। सो दिस इज़ हाउ द सोरिएसिस पेशेंट्स लुक लाइक, और इसमें देखें आपको कैसी स्किन नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा जो है सैल्मन कलर्ड के प्लेक्स नज़र आ रहे हैं, मतलब सैल्मन ना पिंकिश पिंकिश सा कलर होता है, और उसके अलावा आपको नज़र आ रहा है सिलिवरी स्केल्स हैं, ये ऊपर जो स्केली हैं ये सारे स्केली स्किन जो है ये सिलिवरी सिलिवरी है, एक्सटेंसिव सर्विसेज में आपको नज़र आ रही है, इसी तरह स्कैल्प पे भी इस तरह के होते हैं और ये वेल सर्कमस्क्राइब्ड होते हैं, ठीक है, पता चल रहा होता है कि ये है ये है ये है इस तरह से ना, तो इस तरह से सिलिवरी स्केल्स हैं, नीचे आपको सैल्मन कलर की पिंक कलर की जो है ना स्किन नज़र आ रही है, ठीक है, और उसके अलावा ये वेल सर्कमस्क्राइब्ड है, एक्सटेंसिव सर्फेसिस में है, स्कैल्प पे हैं, और इसके अलावा इसके साथ साथ पेशेंट्स को जो है पेटिंग ऑफ नेल्स हो जाते हैं, इस तरह के नेल्स हो जाते हैं पेशेंट। अब आप जब हिस्टोलॉजी करवाते हो ना तो फिर आपको क्या नज़र आता है, ये नज़र आता है, इस तरह की नज़र आती है, देखें ये दिस इज़ द एपिडर्मिस और ये आपकी डर्मिस है, ठीक है, तो इधर इधर तक आपने देखना ज़रा, डर्मिस में ये देखो कैसे ऊपर की तरफ आए हुए हैं इसके सारे, ठीक है, डर्मिस में क्या, और डर्मिस के जो पिपिले हैं वो इलोंगेट कर रहे हैं, इलोंगेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब जब ये इलोंगेट करेंगे तो क्या होगा, ऊपर से जो एपिडर्मिस होगी उसकी लेयर तो थिन हो जाएगी ना, जो एपिडर्मिस ने नॉर्मली कवर करी थी, तो थिनिंग ऑफ एपिडर्मिस होगी डर्मल पिपिले की वजह से। अब ऊपर से जब ये एपिथीलियम फॉर एग्जांपल पेशेंट वो स्क्रैच करता है, स्किन को उतारने की कोशिश करता है, तो क्या होगा, ये जो हमारे पास डर्मल पिपिले में ये जो ब्लड वेसल्स हैं एक्सपोज होंगी और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। इसके अलावा आपको ये एपिडर्मिस में नज़र आ रहे होंगे, क्लोजली लुक देखें, ये नज़र आ रहे हैं आपको, ये देखें, नॉर्मली जो हमारे पास ऊपर वाले लेयर के कैरेटिनोसाइट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, यहाँ पे आपको न्यूक्लियस भी नज़र आना शुरू हो गया, ठीक है, ये डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। और क्या नज़र आ रहा है, और आपको ये नज़र आ रहा है कि एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया भी हुआ हुआ है, ठीक है, ज़्यादा हो गया, क्यों, क्योंकि ऊपर थिनिंग ऑफ एपिडर्मिस थी तो उसने उसको कंपनसेट करने के लिए कर दिया। तो ये जो एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया होता है इसको आप कहते हो केंथोसिस, ठीक है, और ये जो हमारे पास इनके न्यूक्लियाई अंदर रिटेंशन इनकी रह जाती है हाइपरकेराटोसिस की वजह से,
हाइपरकेराटोसिस के साथ, इसको हम कहते हैं पैराकेराटोसिस। ठीक है, ऊपर जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है उसमें आपको न्यूट्रोफिल्स नज़र आ रहे होते हैं, जिसको आप कहते हो मनरो माइक्रो एब्सेसिस, या आपके बुक में लिखा हुआ है। थिनिंग ऑफ एपिडर्मिस हो जाती है अबव द डर्मल पेपिले, यहाँ पे थिनिंग ऑफ एपिडर्मिस हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा जो है अगर हम इसको स्केल को निकालते हैं तो इसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसको आप स्पिट्स साइन कहते हो, या आपकी बुक में लिखा हुआ है। ट्रीटमेंट इसकी मैंने आपको बता दिया। ठीक हो गया, तो ये आपने रीड कर लेना है, जो मैंने आपको बताया वही आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आएगा। देन द लास्ट थिंग अबाउट दिस इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स इज अ लाइकन प्लेनस, इसमें आपको पी 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 फोर पी नज़र आते हैं, प्यूरेटिक प्लेनर पॉलीगोनल पर्पल। ठीक है, पी से आपने याद रखना है प्लेनस से, कि इसमें चार पी आएंगे, प्यूरेटिक प्लेनल पॉलीगोनल पर्पल पेप्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, जिनकी रेटिकुलर वाइट लाइंस होती हैं सरफेस पे, जिसको आप वेटमैन स्ट्राई कहते हैं। ज़्यादातर ये रिस्ट एल्बोज और ओरल म्यूकोसा को इन्वॉल्व करती है, अगर तो ओरल में होगी तो उसको हम वेटमैन स्ट्राई कहेंगे। ठीक है, हिस्टोलॉजी में हम इन्फ्लेमेशन मिलती है डर्मल एपिडर्मल जंक्शन पे, जो कि सॉथूट अपीयरेंस देती है। एटियोलॉजी इसकी हमें नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि क्रोनिक हेपेटाइटिस सी वायरस के साथ इसकी एसोसिएशन है। सो ये लाइकन प्लेनस के पेशेंट हैं, इसमें देखें कि पी फोर आपने फोर पी नोट करने होते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या है कि एक हमारे पास पॉलीगोनल डिफरेंट जो है शेप्स की चीज़ें हैं, तो पॉलीगोनल हो गया, प्लेनर है बिल्कुल सीधा सीधा है, कोई ऊपर सरफेस के ऊपर उभार नहीं आया हुआ। ठीक है, पर्पल कलर के पर्पलिश पर्पलिश तो आपको अंदर नज़र आ रहा होगा, कभी कभार ये प्रूरेटिक भी होते हैं ना, तो पी फोर हो गए। ठीक हो गया, उसके बाद रेटिकुलेट वाइट लाइन्स सर्फेस पर नज़र आ रही होती है। उसके बाद जिनको आप विकमैन स्ट्राई कहते हो वो ज़्यादातर ओरल म्यूकोसा पे होता है। इन जब आप इसकी देखते हो ना हिस्टोलॉजी, तो फिर आपको क्या नज़र आता है, दिस इज़ द एपिडर्मिस एंड दिस इज़ द डर्मिस, तो इनके जंक्शन पे आपको क्या नज़र आता है, बहुत ज़्यादा प्रोलीफ्रेशन। ये देखें कितने ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इतने ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हुई भी है, और कैसी नज़र आ रही है आपको, सॉट उथ अपेरेंस नज़र आ रही है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, सॉट उथ अपेरेंस नज़र आ रही है, इस तरह की इन्फ्लेमेशन हुई होती है तो इसकी सॉट उथ अपेरेंस आती है, लाइक दिस सॉट उथ अपेरेंस। ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर्स हम नेक्स्ट से करते हैं इंशाल्लाह।